के राक्षस उस घर के बच्चे को काल भी, उस घर में छोटे बच्चे को काल भी नहीं खाता जिस घर में गैया की सेवा होती है और बैलों से खेती होती है। उस घर के बच्चों को काल भी नहीं खाता है। उस घर में किसी महिला को गर्भपात नहीं होता, कभी भी पेट में बालक नहीं मरता। जिस घर में गाय का पालन होता है उस घर में किसी को गर्भपात नहीं होता। 2 महीने 3 महीने 4 महीने के जो बच्चे खराब हो जाते हैं, गाय की सेवा करो आपका 100 साल का बच्चा होगा। दुख किस बात का है कि आप गांव खेड़े में रहते हैं, खेड़े में रह के भी सुबह सुबह रोड पर खड़े रहते लोटा लेके, दूध वाला आएगा। यानी गांव में रह के भी दूध भाड़े पर ले रहे, पैसों से दूध खरीदते। गांव में रहते मिट्टी का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, पर दरवाजे पर एक गाय नहीं पालते। एक गाय पालने का मतलब ये होता है कि आपको बहुत सारी छूट है। एक गाय पालने का मतलब है कि आपको गोबर फ्री, गोबर की गौरी फ्री है, गौमूत्र फ्री, घी फ्री, मक्खन फ्री, दही फ्री, दूध फ्री है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं। घर में दर्शन देवताओं का फ्री, सब देवता गाय के शरीर में समाये हुए, आते जाते गाय को हाथ लगाते जाओ और वहीं से वरदान मिलता रहता है। जाओ अब तुम्हें ट्रक नहीं कुछ लेगा, जाओ कहीं भी जाओ, अब तुम्हें कोई ठोक के नहीं भागेगा, किधर भी जाओ, खेत में काम करने जाओ सांप नहीं काटेगा। गाय का दर्शन करके घर से निकलो तो सब व्याधियों से मुक्ति, क्योंकि गौ लोक में जाना है मरने के बाद। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गाय दरवाजे पर अगर है तो फिर हमें उसका लोक पाने के लिए ज्यादा षड्यंत्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सहज ही गौ लोक मिल जाएगा। गौ लोक का मतलब है पुनः मनुष्य जीवन। गौ माने इंद्री, नाक आंख कान मुंह, ज्ञान इंद्री वाला शरीर मिल जाएगा, नहीं तो पशु बनना पड़ेगा, कीड़ा बनना पड़ेगा, पेड़ पौधा न जाने क्या बनना पड़ेगा। मथुरा में दुख गोकुल में सुख, पैदा कहां हुए भगवान? मथुरा में, पर एक क्षण नहीं रहे मथुरा में, सीधे गोकुल पहुंच गए। अंदाजा लगाओ क्यों? पैदा मथुरा की जेल में हुए तो फिर वहां से फटाफट वहां क्यों चले गए? सीधा सिद्धांत है, जहां गौ सेवा करने वाले नर नारी रहते हैं भगवान को वहीं अच्छा लगता रहने के लिए। जहां पर कुत्ता बिल्ली पाले जाते हैं भगवान वहां नहीं रहना चाहते। मथुरा में घोड़े थे, कुत्ते थे, सब थे, पर गाय नहीं थी, गौ सेवक नहीं थे, भगवान की भक्ति करने वाला कोई नहीं था। बड़ा कठिन काम हो गया। अब आप समझ लो भैया क्या करना है। जहां गौ सेवा नहीं है, जहां पर गौ के प्रति श्रद्धा नहीं है, वहां भगवान आएंगे पर नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। आके चले गए तो क्या फायदा, सुना सुना हो जाता है सब। गोकुल शमशान बना हुआ है, सॉरी मथुरा